जय माता दी। दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत वट सावित्री का व्रत जो है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य की कामना को लेकर ये जो व्रत है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, जब मासिक धर्म आ जाता है तो बहुत सारी महिलाओं के, बहुत सारी माताओं बहनों के मन में ये प्रश्न आता है कि वट सावित्री व्रत में हम नई चीज़ें जो हैं वो पहने या ना पहने, नए वस्त्र पहने, सिंदूर लगाएं या ना लगाएं, कुल मिला के जो श्रृंगार है वो हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे अपने वीडियो जो हैं वो बनाए हुए हैं, उस पर मैंने सारी जानकारी जो है वो दे दी है, फिर भी बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो जो है वो बना ही देती हूँ। अगर वट सावित्री व्रत जो है वो आपका आने वाला है, जैसे कि 19 तारीख को, और उसी दिन आपको पीरियड्स जो है वो आने वाला है या आ गया है, तो आप पहले दिन तो पूजा कर ही नहीं सकते हैं, ना ही दूसरे दिन कर सकते हैं। 3 दिन का जो महिलाओं का अशुद्धि जो है वो बताया गया है, तो 3 दिन के लिए केवल जो माताएं बहनें होती हैं वो अशुद्ध होती हैं, लेकिन जब हम किसी देव की पूजा करते हैं तो 7 दिन पूजा जो है वो नहीं की जाती है। जैसे अभी त्रिदेव की पूजा होगी, वट सावित्री व्रत में 3 देव विष्णु, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो वट सावित्री के पत्ते तने और जड़ में जो है वो रहते हैं, तो ऐसे में त्रिदेव की पूजा होती है। जब जब त्रिदेव मतलब देव की पूजा होती है तो ऐसे में पीरियड्स के 7वें दिन पूजा जो है वो हमें करनी चाहिए। लेकिन जो भी माताएं बहनें हैं जिनका पीरियड्स जो है वो 3 से 4 दिन आता है, वो माताएं बहनें 5वें दिन भी पूजा कर लेती हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि हाँ 5वें दिन वो बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ हो जाती हैं, ऐसे में वो 5वें दिन पूजा कर सकती हैं। लेकिन जैसे जिन माताओं बहनों को मान लीजिए कि वट सावित्री व्रत का 2रा दिन है, 3रा दिन है या 1ला दिन है, उसी दिन जो है आ गया है, तो ऐसे में वो नए वस्त्र कैसे धारण करें, क्योंकि पूजा वो कर नहीं पा रही हैं। सिंगार अगर किसी दूसरे से चढ़वा रही हैं, अपने नाम की पूजा करवा रही हैं, तो वो जो सिंगार है वो धारण कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो देखिए, आप सिंगार जो है वो सारा सिंगार कर सकती हैं, पीरियड्स आ गया है तो आप सारा सिंगार कर सकती हैं, बस आपको सूखा वाला जो सिंदूर होता है वो पहले और 2रे दिन नहीं लगाना चाहिए। अगर 3रा दिन आपका पड़ रहा है और एक बार आपके बाल जो है वो धुल गए हैं, तो आप 3रे दिन भी सिंदूर लगा सकती हैं, इसमें भी कोई विचार नहीं है। सिंदूर जो है उसका महत्व ज़्यादा बताया गया है, और जब पीरियड्स होता है तो हमें सूखा वाला जो सिंदूर है वो नहीं छूना चाहिए। तो जिनका 1ला या 2रा दिन है, ऐसी माताएँ बहनें जो लिक्विड वाला सिंदूर आता है वो लगा सकती हैं, और जो माताएँ बहनें जिनका 3रा दिन है, 5वां दिन है, 4था दिन है, ऐसी माताएँ बहनें जिनके पहली बार बाल धुल चुके हैं पीरियड्स के, वो माताएं बहनें सूखा वाला सिंदूर जो है वो लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा प्रश्न, जब जो भी माताएं बहनें पूजा नहीं कर पा रही हैं, सिंगार किसी दूसरे से चढ़वा रही हैं, तो वो सिंगार कब करें? तो देखिए, अगर आपका 1ला 2रा दिन पड़ रहा है तो आप तब भी सिंगार नहीं कर सकती हैं, तो आप क्या कीजिए कि सिंगार जो है वो मंगवा के रख लीजिए, फिर जिस दिन आपके बाल धुल जाते हैं उस दिन आप पूरा सिंगार जो है वो कर सकते हैं। जैसे शुक्रवार को ये व्रत पड़ रहा है, और उसके बाद मान लीजिए कि आपका 3रा दिन है, 2रा दिन है, तो जब जब आपका दूसरे मतलब जब बाल धुल जाएंगे उसके बाद आप पूरा सिंगार जो है वो धारण कर सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी। अब एक चीज़ और, बहुत सारी माताओं बहनों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि मान लीजिए कि हमारे आसपास कोई है नहीं, कुछ भी नहीं है, और हम जो वट सावित्री है उस दिन हमारा पीरियड्स आ गया है, तो जो भी बरगदाही या पुए गुलगुले जो भी बनाए जाते हैं वो हम बना नहीं पा रहे हैं, चने का प्रसाद हम चढ़ा नहीं पा रहे हैं, और हमें चने जो है वो निगलने भी हैं, फल जो है वो निगलना ही है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, हम ये आपसे यही बोलेंगे कि आपके अगल बगल पड़ोस में जो भी हैं तो आप उनके जरिए से पूजा करवा दीजिए। अगर ऐसा होना संभव नहीं है तो कुछ नहीं तो आप सिंगार की चीज़ें जो हैं वो उनके नाम से, मतलब जो सिंगार की चीज़ें हैं वो अपने नाम से चढ़वा दीजिए, और वही सिंगार जो है वो कुछ वहाँ पे छुड़वा दीजिए और कुछ अपने लिए मंगवा लीजिए। जब आप शुद्ध हो जाएँ तो आपको सिंगार जो है वो धारण कर लेना चाहिए, और जिनके हाथ से आपने जो सिंगार भिजवाया है उनसे वट का फल और चने लेके प्रसाद के रूप में भी आप जो है वो ग्रहण कर सकती हैं, निगलना जो है वो निगल सकती
सकती हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है, आपके छोटे बच्चे हैं, तो मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि जो आपके बच्चे हैं तो उनके हाथ से, जैसे अगर आपके पास में कहीं वट वृक्ष है तो बहुत सारी माताएं बहनें जो पूजा करती हैं उन, मतलब अपने घर के जो भी बच्चे हैं उनसे अगर पास में हैं तो आप ऐसा भी कर सकती हैं कि उनसे भिजवा दीजिए, वहाँ पर जो भी माताएं बहनें हैं उनसे बुलवा के सिंगार जो है वो चढ़वा के और चने और वट का फल जो है वो भी मंगवा सकती हैं। तो जो भी आपके सुविधा अनुसार जो चीज़ें हो जाएं उस हिसाब से आपको कर लेना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सारा कुछ बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जय माता दी।